हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको क्रिकेट न्यूज़ लाता रहता हूँ और आपको अपडेटेड रखता हूँ क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। और मैं आज टिम साइफर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। साइफर्ट एक लौते विदेशी बल्लेबाज थे जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए थे 2021 के IPL के दौरान, और वो अभी आइसोलेशन कर रहे हैं होटल में एक ऑकलैंड के, और अभी 2 वीक से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी के टफेस्ट टाइम में से एक था, और कहा कि मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सरवाइव कर पाऊँगा, और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होगा यार, और बहुत ज़्यादा डर गए थे वो। और इंडिया में जैसा कि आपने पता है, वो कहते कि ऑक्सीजन कम थी और बैड थिंग्स, यानी कि मतलब बहुत ही मतलब बुरी न्यूज़ आ रही थी इधर उधर से, इंडिया से स्पेशली, और इंडिया में ऑक्सीजन कम थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो दिल डूब गया और मैं बहुत टूट गया। और इन्होंने कहा कि दूसरे न्यूजीलैंडर्स यानी कि उनके टीममेट्स को भी बहुत बुरा लगा क्योंकि वो नेगेटिव थे और टिम साइफर्ट उनके साथ नहीं जा सकते थे, और उन्हें 4 हफ्ते का 2 हफ्ते इंडिया और 2 हफ्ते न्यूजीलैंड में करना था क्योंकि वो लोनली फील कर रहे थे क्योंकि सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी था। बाकी इन्होंने कहा कि बस बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन कम थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर मेरे लिए बहुत बुरा हुआ तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा। वैसे मैं हेल्दी था लेकिन मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। टीम साइफर्ट ने कुछ ऐसा किया और 25 दिनों के बाद मेंटली मैं इतना दुखी हो गया कि वो इतने दुखी हो गए कि जब प्रेस के सामने आए तो फूट फूट कर रोने लग गए। और बस यही थी न्यूज़। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़, और वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए हिंदी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।